रीवा जिले के हनुमान थाना के तहत बरही गांव में विगत दिनों एक नाबालिग युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। इस पर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आत्महत्या नहीं है बल्कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या हुई है। परिजनों ने नेशनल हाईवे 135 पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। किसके द्वारा किया गया और किस बात को लेकर किया गया? मेरे गांव के लोग आ रहे हैं, इन लोग हम बोले इसको रफ्तार करो, ये लोग रफ्तार नहीं कर रहे। किसको कहती हैं गिरफ्तार करने के लिए? वो उसको उसको बेटी तो उसके भाई उसके बहन को बोले रफ्तार करो, वो लोग भीतर में मारे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और इस बात के लिए परिजन अड़े हुए हैं और निश्चित रूप से गंभीर विषय है और हम भी मौके पर आकर के पुलिस से यही कहें कि उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो उसमें दोषी है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। एक राजेश फूल नाम का युवक पेड़ पे लटकते हुए मिला है और जिसका कल मलिकान करके और पंचनामा वगैरह किया गया है। एफएसएल टीम भी बुलाई गई थी, परिजनों के द्वारा कुछ हत्या की आशंका जताई जा रही थी जिसकी काफ़ी गंभीरता से हम लोग जाँच कर रहे हैं।